नमस्कार, इस वक्त हम हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में और लगातार लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में जो गेहूं की आवक है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। चूंकि आवक के साथ साथ दाम भी जो गेहूं के हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे लगातार जो अलग अलग किस्म है गेहूं की वो अब महंगी होती चली जा रही है। 150 रुपये के जो दाम है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी हैं रितेश जी, इनके पास सीधे चलते हैं। क्या कुछ दाम अब की बार गेहूं के रहे हैं और क्या कारण है कि लगातार जो गेहूं के दाम है वो निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं? रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि लगातार गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं, 150 रुपए की बढ़ोतरी देखने मिल रही है, क्या लगता है कहां तक ये दाम जाएंगे और किन कारणों के चलते दाम लगातार बढ़ रहे हैं? मैंने पहले भी बताया था कि इस बार गेहूं लगभग 3500 के आसपास जाएगा और पहले के मुकाबले भी 8-4 रोज में अच्छी तेजी है। 100-150 रुपए अभी गेहूं में तेज हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि 100-150 रुपए और बढ़ सकते हैं गेहूं में। और यदि हम बात करें तो अलग अलग किस्मों के किस तरह के दाम गेहूं के हैं, लोकवन, चंदोसी और तेजस, पूर्णा, ये क्या भाव चल रहे हैं अभी वर्तमान में और आने वाले समय में इनमें कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है? तेजस पोषण ऊपर में 125 के आसपास तक बिका है आज, और लोकवन और अपने पूर्णा और श्रीराम सुपर ये 2700-2800 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं अभी, और आगे भी इसमें अच्छी तेजी रहेगी क्योंकि अभी ग्राहकी का टाइम अब चालू हुआ है। डोमेस्टिक कस्टमर यूजर जो है वो अब चालू हुए हैं तो काफी तेजी रहने की संभावना है अभी। हमारे पास गेहूं की डिमांड किस तरह की है, क्या लगातार डिमांड बढ़ रही है? और डिमांड बढ़ रही है तो हमारे पास अब की बार जो आवक हो रही है वो किस तरह की है? उत्पादन पर सीधा असर गेहूं में देखने मिला, क्या उत्पादन रहा अब की बार? उत्पादन कम होने के चलते दाम बढ़े गेहूं के? उत्पादन तो डेफिनेटली कम है, 30% ऐसा अनुमान है कि पिछले वर्ष के मुकाबले कम उत्पादन हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद 2275 का समर्थन मूल्य जो था उसको सरकार ने 2400 रुपये कर दिया है, 125 रुपये राज्य सरकार ने इस पर बोनस दिया है, वो भी एक कारण है। फिर निपत कम है वो भी एक कारण है, डिमांड है वो भी कारण है। इन कारणों से गेहूं में तेजी निश्चित रहेगी। आने वाले समय में हम क्या संभावना जता रहे हैं, कहां तक ये दाम पहुंच पाएंगे? चूंकि अब की बार पिछले साल की तुलना में इस साल यदि हम दोनों के अंतर करें तो अब की बार दाम ज़्यादा है, पिछले साल की तुलना में कितने दाम ज़्यादा हैं और कहां तक ये दाम जाने की संभावना? पिछले साल के मुकाबले 300 रुपये के आसपास, 200 से 300 रुपये की तेजी है और डेफिनेटली आगे भी तेजी रहेगी, बिल्कुल रहेगी तेजी। उत्पादन कम है वो भी कारण है और डिमांड जो है वो तो है ही है, इसलिए तेजी तो रहेगी रहेगी। एक बार फिर से मौसम बिगड़ चुका है, एक दो दिन में हमने देखा मौसम बिगड़ा, गेहूं निकल गए हैं, गेहूं किसान के पास रखे थे, अब संभावना है कि वो भी खराब हो सकते हैं, तो ऐसे में फिर जो है इसमें दाम में असर देखने मिलेगा आने में? नहीं, मौसम खराब होने से अब कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 95% किसानों का माल कट के अपने अपने गोदामों में या मंडी में आ चुका है, तो उससे गेहूं खराब होने की कोई वाली चांस नहीं कि पानी से गेहूं खराब हो गया, क्योंकि 95% तक गेहूं कट के गोदामों में या मंडी में आ चुका है, तो गेहूं मौसम खराब होने से खराब होने की कोई विशेष कारण नहीं है। यदि हम बात करें तो लगातार गेहूं के दाम बढ़े, क्या इससे व्यापारी को फायदा मिला या किसान को फायदा मिला या फिर उत्पादन कम हुआ तो फायदे पर भी कोई खास असर देखने नहीं मिला हमको? व्यापारी को तो कोई विशेष फायदा नहीं है, हाँ किसान को जरूर अच्छा मूल्य मिल रहा है और इससे और तो कोई विशेष कारण है नहीं, बस हाँ किसान को जरूर है कि जो पहले 2600 बिक रहा था वो 2700-2800 बिक रहा है, तो 150-200 रुपये का किसान को निश्चित ही मुनाफा हुआ है, बड़े हुए पैसे मिल रहे हैं। क्या देखते हैं गेहूं के व्यापार में, यदि हम बात करें तो हमारे पास उत्पादन अब की बार कम हुआ, तो क्या अब हम बाहर से गेहूं मंगाने की कंडीशन में आ गया भारत? नहीं, अभी ऐसा नहीं है साहब, अभी पंजाब हरियाणा इधर का भी काफ़ी अच्छा गेहूं आता है, उससे थोड़ा बाजार जरूर बढ़ेगा, पर अभी ये स्थिति नहीं है कि बाहर से मंगाना पड़े, मतलब निर्यात करना आयात करना पड़े, ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है। चलिए, तो निश्चित तौर पर ये गेहूं के व्यापारी थे रितेश जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि गेहूं के जो दाम है वो लगातार 100 से 150 रुपए बढ़ चढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी इसी तरह के दाम बढ़ने की जो संभावना है वो व्यापारी जता रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में गेहूं के दाम कहां तक पहुंचते हैं और क्या अब की बार गेहूं के दामों का जनजीवन पर कोई खास असर पड़ता है या नहीं। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से नमन मटके।